नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और DLSA में है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट के जो है अलग अलग जो दिया हुआ है। सभी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जो भर्ती है उसका जो है डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बता दें इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक आपको sarkaririzalt.com और साथ ही साथ जो है rozgarrizalt.com पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है जहाँ से आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा हम क्लिक करते हैं अप्लाई पे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है न्यू यूजर और एक दिखाई दे रहा है आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे रजिस्टर नाउ पे जो है क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम यानी कि मदर नेम डालना है, नेक्स्ट आपको अपना जो है जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म तिथि है वो आपको डाल देनी है, नेक्स्ट मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, या फिर आपको यूजर नेम भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बना लेता हूँ RHC करके मैंने बना लिया है। ये ईमेल आईडी डालने के बाद होगा, तो पहले इसको हम जो ईमेल आईडी करते हैं और जो पासवर्ड है उसको भी जो है डालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर लिया, साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे यूजर नेम बना लिया। यूजर नेम आप जैसे ईमेल आईडी का यूजर नेम बनाते हैं वैसे ही बनाना है। पासवर्ड बनाना है, एक आपको कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं 7 से 10-12 कैरेक्टर का। उसका जो कैप्चा है उस कैप्चा को डालना है, उसका रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। पूरा फॉर्म आपको भरने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, उसी 30 मिनट के अंदर आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी का भी फॉर्म है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का भी, तो आपको जिसका भरना है तो उस पर आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। तो मैं जो इंग्लिश वाला भर रहा हूँ तो फिल फॉर्म इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप फिल फॉर्म इंग्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ जानकारी आपकी पहले से आ गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी है। तो जैसे मैंने यहाँ मैरिड कर दिया है, अनमैरिड कर दिया है, यहाँ पे आपका पूछा है आपका निवास कहाँ है, तो मेरा अदर स्टेट का निवास है तो यहाँ पे अदर स्टेट कर दिया है। तो अदर स्टेट वालों में जो है होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप राजस्थान करेंगे तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी पूछ रहा है कुछ, अगर आपका ऐसा है तो देना है, नहीं तो सिंपली आपको जो है नो कर देना है। यहाँ पे इम्प्लाई वगैरह का ऑप्शन है, अगर आपका किसी में भी है तो दीजिए, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पे पूरा जो है डाल देना है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, आपको अपना पिन कोड जो है पिन कोड डाल देना है, नेक्स्ट आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी में क्लास 10th का जो है डिटेल डालना है कि आपने किस बोर्ड से पास किया था, कब जो है आपने जो है पास आउट किया था, और आपको जो डिवीजन था जो ग्रेड था वो क्या था। यहाँ मैंने जो है डिवीजन डाल दिया है। इसी तरह आपको इंटर का डालना है, इंटर आपने जो है कब पास किया है, कौन सी डिवीजन पास किया है, नेक्स्ट आपको ने जो कंप्यूटर कोर्स है वो क्या है, जैसे ओ लेवल है, स्कोपा है, डिप्लोमा है, जो भी है आपका आप जो है दे सकते हैं। जैसे मेरे पास ओ लेवल है, ओ लेवल मैंने डाल दिया, कब जो है पास किया है और कौन सा डिवीजन पास किया है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे पूछा डू यू हैव मोर वन स्पाउस लिविंग, मैंने यहाँ पे नहीं है, डॉवरी वगैरह का है यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी वाइफ लिविंग वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कोई आपके लिए FIR है, कोई कोर्ट केस है, या आप किसी एग्जाम में डिवाइड वगैरह किए गए, तो अगर कुछ ऐसा है तो आपको डालना है, तो नहीं सिंपली आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, यहाँ पे प्लेस में आपको जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो डाल देना है। आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, फोटो का साइज जो है 10 से 25 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज भी 10 से 25 KB के बीच होना चाहिए। अगर आपको साइजिंग में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट sarkaririzalt.tools का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज रिसाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप फोटो को जो साइज को कम और ज्यादा जो है सेट कर सकते हैं। मैरिटल बायोडाटा है, टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस है, JPG PDF है, एज कैलकुलेटर है, रिज्यूम CV है, और तमाम तरीके के ऑप्शन है। वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे और फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर दिया है। ये जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को एज इट इज जो है यहाँ पे डाल देते हैं और सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है, इसमें आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और एग्रीगेटर का ऑप्शन है, उसमें आपको तमाम तरीके के गेटवे मिल जाएंगे, जिसमें आपको अगर UPI से करना है तो आपको एग्रीगेटर पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म डन हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों चलते चलते फिर बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।